Welcome to our YouTube channel, Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डी एस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम करेंगे. आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ 93. इससे पहले हम ऑलरेडी 92th लेक्चर्स कर चुके हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने नहीं देखा है एक बार जाके गो थ्रू कर ले, सो दैट जो भी हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पास सारा कुछ क्लियर हो जाए. एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें. आज के जो टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग को डिस्कस करने वाले हैं. लॉकिंग फेस मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, उससे पहले मैंने लॉक के बारे में डिस्कस किया था. आज जो डिस्कस करेंगे वो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग क्या होती है उसको डिस्कस करने वाले हैं. विद दैट रेफरेंस हम आज टू फेस लॉकिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है डेटाबेस सिस्टम में और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में उसको भी आज हम पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. प्लीज़ शेयर करो और लाइक करो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो. ओके, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग दैट इज़ अंडर अ स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन. एक स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें, एक स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन अगर हो रहा है, अ ट्रांजेक्शन दैट नीड्स टू रीड और राइट ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिलेड अंटिल अदर ट्रांजेक्शन दैट यू नो दैट राइट द सेम ऑब्जेक्ट हैव कमिटेड और अबॉर्ट. तो बेसिकली क्या होता है, अगर स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग की बात करते हैं उस केस में क्या होता है, ऐसा नहीं कि एक ने रिस्पॉन्स कर दिया है कि हमें वो कमिट करना है अबॉर्ट करना है तो देन इट शुड बी कमिटेड और इट शुड बी अबॉर्टेड. बट जितने भी उसके रिलेवेंटेड जितने भी आपके यू नो ट्रांजेक्शन्स होंगे रीड और राइट वाले, जो भी ऑब्जेक्ट को रीड और राइट कर रहे होंगे ना, अगर उनमें से किसी को भी यू नो लेट हो गया या डिले हो गया एक तरह का ट्रांजेक्शन का रिप्लाई करने के लिए, ये राइट कर रहा है वो पर्टिकुलर सेम ऑब्जेक्ट को कि यू नो कमिट कर रहा है या अबॉर्ट कर रहा है, तो तब तक वो आगे प्रोसेस नहीं होता. तो दे वेट फॉर दैट पर्टिकुलर कि ऑल ट्रांजेक्शन कैन रिप्लाई इन द सेम वे कि हमें कमिटेड करना है या अबॉर्ट करना है. ठीक है, टू इन्फोर्स दिस रूल, इस रूल को इन्फोर्स करने के लिए एनी लॉक्स अप्लाई ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ट्रांजेक्शन आर होल्ड अंटिल द ट्रांजेक्शन ईदर कमिट और अबॉर्ट. दिस इज कॉल्ड, ये बताता है दिस इज कॉल्ड टू स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग. तो बेसिकली क्या होता है कि इस इन्फोर्स करने के लिए इस रूल को कि कोई भी लॉक अगर अप्लाई किया जाता है जब प्रोग्रेस हो रहा होता है हमारा ट्रांजेक्शन का, तो तब वहाँ पे वो होल्ड करेगा उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे ये देखने के लिए कि वो कमिट करता है कि अबॉर्ट करता है. इसी को ही हम स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग कहते हैं. After that, strict two-phase locking eliminates the cascaded aborts because the transaction can read a data objects modified by the transaction only after the transaction has completed. तो बेसिकली स्ट्रिक्ट टू फेस जो लॉकिंग होता है वो एलिमिनेट करता है कैस्केडेड को अबॉर्ट करने के लिए. क्यों करता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो है वो रीड डेटा ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकता है ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन जो होता है वो तभी कंप्लीट भी होता है. However, the strict two-phase locking reduces the concurrency as the transaction. तो जो strict आपका two-phase locking है वो एक तरह का reduce करता है concurrency को as the transaction holds locks for a longer period than required for the consistency. तो transaction जो होता है वो locks को ज़्यादा time तक की ज़्यादा time period तक की रखता है for that comparison के required for the consistency. After that we will discuss you know strict two phase locking. So we are discussing the two phase locking in a implemented in the distributed database system. So what it implies that we have to discuss in this, the two phase locking can be implemented in a distributed database system in the following ways. So two phase locking hota hai wo implement karega in the following ways. Kis tarah se wo implement karta hai, pehla jo aapka way hai डेटा मैनेजर, जिसे हम DMB बोलते हैं, एट अ साइट कंट्रोल्स द लॉक्स एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट स्टोर्ड एट द साइट. तो जो डेटा मैनेजर होता है DM जिसे हम कहते हैं, एक साइट पे वो कंट्रोल करता है सारे लॉक जो कि एसोसिएट होते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को और स्टोर होते हैं उस पर्टिकुलर साइट में. अ ट्रांजेक्शन मैनेजर, जिसे हम TM बोलते हैं, दैट कम्युनिकेट्स विद द अप्रोप्रिएट DM टू द लॉक और अनलॉक डेटा ऑब्जेक्ट. तो जो ट्रांजेक्शन मैनेजर होता है वो हर एक डेटा मैनेजर से कम्युनिकेट करता है कि हमें उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को लॉक करना है कि अनलॉक करना है उस पर्टिकुलर डेटा ऑब्जेक्ट को. एंड द थर्ड दैट यू हैव फॉर रिक्वेस्ट फॉर लॉक कैन नॉट बी ग्रांटेड. अगर लॉक के लिए रिक्वेस्ट की गई है, मान लो वो ग्रांटेड नहीं हो पा रहा है, then the DM
पुट्स इट्स ऑन वेटिंग रिक्वेस्ट। तो बेसिकली जब अगर मान लो क्लॉक के लिए बोला गया पर वो ग्रांट नहीं हो पा रहा, तो जो डीएम होगा, जो आपका डेटा मैनेजर होगा, वो आपका यू नो वेटिंग क्यू एक बनाएगा। एंड द लास्ट इज द व्हेन अ लॉग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड ऑन अ वेटिंग रिक्वेस्ट फॉर द लॉग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज ग्रांटेड। तो बेसिकली अगर कोई लॉग है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, वो रिलीज हो जाता है अगर वेटिंग रिक्वेस्ट में है वो लॉग, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसको ग्रांट कर दिया जाएगा। इन ऑल दिस वी डिस्कस्ड यू नो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग एंड योर टू फेस लॉकिंग इन इम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। सो ऑल दिस वी हैड डिस्कस्ड। डू सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज थम्स अप एंड गिव योर सजेशन इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।